नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आज के वीडियो में जानेंगे स्टेकिंग क्या है, स्टेकिंग करने के फायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे, स्टेकिंग किन लोगों को करनी चाहिए और स्टेकिंग के जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है यानी कि आप कहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेकिंग के बारे में। स्टेकिंग को समझाने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि स्टेकिंग आपको उस एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाए। मान लीजिए राम है और राम बैंक में जाता है और राम 10,000 रुपये बैंक में लेके जाता है और राम वो 10,000 रुपये डिपॉजिट ना करवा के फिक्स डिपॉजिट करता है। अफकोर्स अगर राम यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करेगा तो बैंक उसको कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा जो कि हो सकता है 2% 3%, क्योंकि बैंक का फिक्स होता है अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए जो बैंक है सिंपली वो राम को इंटरेस्ट पे कर रहा है, सो क्या बैंक अपनी जेब में से दे रहा है? बिल्कुल नहीं। बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट राम ने करवाया है उसी पैसे का उपयोग करेगा लोन देने के लिए बैंक, और बैंक लोन देगा जिसको ज़रूरत है ज़्यादा इंटरेस्ट पे। मानो कि राम को बैंक दे रहा है 7%, वो देगा बैंक 10%, और बैंक बाकी का पैसा मानो कि 100 रुपये कमाया राम के पैसे पे तो 30-40 रुपये खुद रख लेगा, बाकी राम को दे देगा। तो बैंक का भी काम हो गया प्लस राम का भी काम हो गया। उसी तरीके से एक्सचेंज करते हैं जब हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं किसी भी कॉइन को, सो जो एक्सचेंज होता है उस पैसे का यूज़ करता है। जैसे कि मानो अगर आप कॉइन DCX पे करते हो, लैंडिंग करते हो, तो उसको वो यूज़ करता है मार्जिन ट्रेडिंग के लिए, लिक्विडिटी के लिए, हो सकता है फ्यूचर ट्रेडिंग में लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने की। अब लिक्विडिटी क्या होती है, सो मैंने लिक्विडिटी भी एक्सप्लेन कर रखी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाय और सेल होता है उसमें बाइंग और सेलिंग जो ऑर्डर होते हैं ना उनमें ज़्यादा स्पेस ना हो, यानी कि ज़्यादा अंतर ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, या तो आप अपना जो कॉइन है उसको स्पॉट वॉलेट में रखे रखिए, या फिर आप सिंपली फिक्स डिपॉजिट करके एक पैसिव इनकम कमा सकते हैं। मंथली आपका जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगा, और क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो जो उसका प्राइस सिंपली बढ़ रहा है वो भी आपको मिलेगा, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। प्लस आपके पास एक कॉइन था वो 2 हो गया, मानो 100 रुपये था तो आपका 200 रुपये हो गया, मतलब आपको एक अच्छा खासा पैसिव इनकम के द्वारा एक रिटर्न मिल रहा है। सो इस वीडियो में जानते हैं आगे की स्टेकिंग के लिए कौन कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है। स्टेकिंग के बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जब वीडियो मेरा वॉच करोगे सो मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे, सो आपको स्टेकिंग नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके अंदर फिलहाल कोई वीडियो है लेकिन 4 से 5 वीडियो मैं बना चुका हूँ, सिर्फ मुझे एडिट करके वो यहाँ पे ऐड करने हैं। सो आप एक एक अगर जानना चाहते हैं एक एक एक्सचेंज के बारे में डिटेल में, सो मैंने एक एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से। पहला जो सबसे सेफ है और सिक्योर है वो है बाइनेंस। आप खुद भी अपना और भी रिसर्च कर सकते हैं, ये मेरे खुद के ओपिनियन है, जो भी मैं यहाँ पे एक्सचेंज बता रहा हूँ मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मुझे पर्सनली ट्रस्ट है, हो सकता है आपको ट्रस्ट ना हो, सो प्लीज़ आप अपना रिसर्च कर लीजिए। पहला है बाइनेंस, दूसरे नंबर पे मैंने रखा है कॉइन DCX, तीसरे नंबर पे रखा है वर्ल्ड, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद में यहाँ पे BitBNS। सो एक एक एक्सचेंज पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉइन मिलते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आपको जिसमें भी ज़्यादा मिलता है सिंपली आप उसमें करें, जैसे कि केक में आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं वो स्टेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी कॉइन यहाँ जिसमें ज़्यादा मिल रहा है वो परचेज कर लो भाई साहब और बाद में वो डाउन ही डाउन जा रहा है, तो इस चीज़ का आपको खास कर ध्यान रखना है। मैंने फिलहाल मैटिक में कर रखा है, सो मैं आपको मैटिक में बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास मैटिक पड़ा हुआ है तो लगभग आपको 11.5% मिलेगा अगर आप 30 दिन करेंगे, तो 60 दिन करेंगे तो लगभग आपको 12.20 के समथिंग, और 90 दिन करेंगे तो 14%। अब जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे तो है नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 60 दिन का मान लेते हैं, तो स्टेक नाउ पे मैं क्लिक करूँगा, सपोज दैट कि मेरे पास 1000 मैटिक है, ठीक है, तो मैं 1000 मैटिक डाल देता हूँ। 1000 मैटिक अगर मैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करता हूँ, 60 दिन के अंदर मुझे 20 मैटिक का जो कॉइन है सिंपली वो मिलेगा, मतलब मेरा जो 1000 मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन मुझे 20 मैटिक और एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे केक की, तो केक को अगर मैं स्टेक करके आपको दिखाऊँ, सपोज दैट मैं 90 दिन करना चाहता हूँ और मेरे पास 200 केक है, सपोज दैट 200 केक पे मुझे जो मिलने वाला है 90 दिन में वो लगभग 20 केक मिलेगा। अगर मैं 60 दिन की बात करूँ तो 12 केक मुझे मिलना है, 30 दिन की बात करूँ तो लगभग 5, मतलब 205, 200 मेरा प्रिंसिपल है और 5 जो मुझे फिक्स डिपॉजिट में मिला है वो। अब आप यहाँ पे समझिए, अगर आपके पास स्पॉट वॉलेट में रखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करके इंक्रीज करना चाहेंगे कि नहीं, आप खुद मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे जो
फ्लेक्सिबल है उसके बारे में। सो देखो, इसमें इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन आप इसको जब चाहो ना तब आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको रिमूव कर सकते हो यानी कि निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप एक बार फिक्स कर देते हो वो टाइम पीरियड के लिए आपका फिक्स हो जाता है। सो ये ही इसमें फ़र्क है, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। बाकी मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल को उतना यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैं इसमें इतना सा इंटरेस्ट लेके क्या ही करूँगा। सो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा अभी फ़िलहाल ट्रॉन भी लगा हुआ है, यहाँ पे 1 इंच भी लगा हुआ है, यहाँ पे मैटिक भी लगा हुआ है। सो ये मेरी हिस्ट्री है फिलहाल। अब बात करते हैं कोइंडिसेक्स के बारे में। सो कोइंडिसेक्स पे भी यहाँ पे है, इनको मैंने डिटेल में समझा रखा है, वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो को आने के बाद में सिंपली वो वीडियो आएगा, सो आप वो भी देख सकते हैं। वर्ल्ड का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप सिंपली जो प्लेलिस्ट है अगर वो आप देखेंगे, यहाँ पे आई थिंक प्लेलिस्ट ये रहा, इसमें आप ये वीडियो देखेंगे। यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है A to Z जो चीज़ें हैं वो। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। BitBNS पे भी मेरा चल रहा है, जो BitBNS का टोकन है सिंपली वो ही मैंने यहाँ पे 10 दिन हो गए हैं मुझे। सो यहाँ पे भी जो फिक्स इनकम है सिंपली वो आप कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में सिंपली मैं बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म कवर किए हैं और स्टेकिंग को कवर किया है। आई होप कि आप सभी को जो स्टेकिंग वाला वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।